हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठीक ठाक होंगे, है। खैर खैरियत से होंगे। और हमें तो आप लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो हम आपको अपना तारुफ अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे। क्यों नहीं जानते भाई, हम पहली वीडियो बना रहे ठीक थे। हाँ, है, नए लोग हैं हम। तो असल में सीन हो गया था, कोई बहुत पुरानी बात है, तो जिसकी वजह से हम लोग कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, और गायब होने की वजह हम आपको अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम दोबारा आ गए हैं और वीडियो शुरू कर दी है। आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट बनाएंगे, कंटेंट। हाँ खैर, कॉन्टेंट नहीं गलती बनाएंगे। होंगी, कंटेंट कंटेंट वो होंगे। भूल गए हैं ना सारा कुछ, काफ़ी दिन हो गए तो इस वजह से। बाकी प्यार और मोहब्बत की बातें चलती रहेंगी, ठीक हाँ है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने, और इसी तरह दुनियादारी चलती रहेगी। अभी बंद करता हूँ मैं दूसरी वीडियो क्या बनाता। वो कौन सा अच्छा, नहीं कराएंगे, तो ये बोल इधर किससे जैसे कि मैंने मिलेगी। बोला तो दूसरी वीडियो बनाऊंगे, दूसरी वीडियो है, और इस वीडियो में ये बंदा आप को दिखाते हैं। ये जो है मुलाकात तकरीबन फरमाएं। आज से 3 साल पहले इसने बोला था मैं बाल कटवाऊंगा, तो आज अभी तक आप देख सकते हैं इसको, न इसके बाल कटे और न इसने नाई का मुंह देखा, और न नाई ने इसका मुंह देखा। तो आज कोशिश करेंगे कि इसको लेके जाएं और इसके बाल कटवाएं। ठीक अच्छा, है, मेरा नई छुट्टी पर है। इसका तो ना ही छुट्टी पर है। और एक चलो, हफ्ते के लिए गाँव गया। एक हफ्ते बाद आएगा फिर बाल कटवाते हैं। अच्छा, तो हमारे गायब होने के बाद हमने काफ़ी तरक्की भी की है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी है ना, ये पिंजरा बनाया है, और ये आप देख सकते हैं कि घर के बाहर क्यारी थोड़ी सी बनाई है। गेट को कलर कर रहे थे लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, आधा छोड़ गेट दिया हुआ, आधा उसको, नहीं वैसे हुआ। आधा किए और आधा रह गए। जो रह गए उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कब होगा, लेकिन बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। बाकी हम लोगों ने है ना एक बाइक ख़राब कर दी है, दूसरी बाइक अभी है थोड़ी, उसका भी कोशिश लगे हुए हैं कि मज़ीद इसके अंदर है ना कार्रवाई करके इसको है ना ख़राब की जाए, ताकि ये भी खड़ी हो जाए। फिर है ना हम अभी पेट्रोल डलवा के है ना बाइक लेके जाते हैं, आगे पीछे छोटे मोटे काम करते हैं। फिर हमारे पास एक साइकिल है, मज़ीद उसकी भी कोशिश करेंगे, अगर उसके भी हालात थोड़े ख़राब हो गए तो फिर दो पैर दिए हुए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर है ना। कि आपने इंट्रोडक्शन तो देख लिया हमारा, इसहाक साहब ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया हमारा। ओके, असल मेन पॉइंट जो है ना कि हमने बनाना है यहाँ पर मुर्गियों का दड़बा, ठीक है। और साथ ही उधर मैंने आज एक देखी थी वीडियो मौलाना तारिक मसूद साहब की, उन्होंने एक आइडिया, हमें आइडिया तो और भी मिल जाते हैं, पर उनकी वीडियो देख के मुझे एक आइडिया मिल गया। उन्हें तो खैर कैन काट के वो बनाया है, पर मेरे पास जो है ना उतना फ़िलहाल कैन वाले का सिस्टम हमारे पास नहीं इसके पास फिलहाल इतनी फुर्सत नहीं है कि कैन काटे, तो ये दूसरा तरीका है। पर नहीं, मेरे पास है, मैंने दूसरा तरीका सोच लिया। क्यों खलील, सोचा है बिल्कुल ना? बिल्कुल। हाँ, तो हमने दूसरा तरीका सोच लिया, हम उस पर काम करने वाले हैं, और साइड पे उस तरफ या इस तरफ हम बनाने वाले हैं मुर्गियों के बैठने के लिए। पर यार वो सिस्टम ये तो बाहर है खलील, ऐसे ना कि उधर मुर्गियाँ अंडे दे और वो उठा के कोई ले जाए। चलो वो बात की बात है, कैमरे लगा देंगे स्पेशल अंडों के लिए, अंडे कोई ना लेके दे। कैमरे लगा रहे, ताला ही लगा दे इससे अच्छा। अभी बाहर होंगे ना वो कौन तो बाहर बाहर है? होंगे ना, वो जो अंडों वाला सिस्टम है ना उनका, हाँ, वो बाहर बनाना है, वो साइड पे उधर जहाँ वो बोरियाँ पड़ी हुई ना वहाँ बनाना है। क्या अब वो मैं मतलब? आपको बताता हूँ कि वो कैसे बनाना है, ठीक है। ये भी नया है, इसको एक सरप्राइज़ भी दिखाते हैं जो हम ले के आए हैं, और थोड़े से ज़्यादा हैं वो सरप्राइज़ उसको दिखाते हैं। चला भाई, ये देखो ऊपर से छलांग मार दी उन्होंने छत से मोमटी से, और जनाब साहब उल्टा पड़ा हुआ था, इसको मैंने हाथ मार के सीधा किया। चलो ये उठा, इसको एक उठा खलील, एक उठा ये बत्तख। ये सरप्राइज़ तो हमें ही मिल गया, इस आग को सरप्राइज़ दे रहे थे, सरप्राइज़ हमें मिल गया। चला इसको लेके जाए। ओ भैंस की पूछ, वे तो सीढ़ियों में पड़े हुए, पकड़ 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 पकड़, चलो इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर। क्या हुआ? ये देख, वाह खलील, तेरे इतने सारे बच्चे। हाँ, तेरे भी पकड़ 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 ओए पकड़ पकड़ पकड़। ये कहाँ से लाए तुम लोग इतने सारे? ओए यार, ये तो अच्छे बच गए, नहीं तो इन्होंने आज बेड़ा घर था इनका। कैसा लगा भाई? अब यहाँ से छलांग ना मार दे नीचे, पराई बतखे बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी तो भाई जो सीन है ना, वो हमने यहाँ पर भी एक दरबा बनाया हुआ है, आप लोगों को पता है, जैसे कि अगर किसी ने नहीं देखी हमारी पिछली वीडियो तो उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ भी दिखा दूँ कि ये देखें, खतरनाक आवाजें निकालती है ये दरबा, कितना गंदा है। दरबे सारे गंदे होते हैं, चुप गड़ गड़ नहीं कर, मारूंगा सर पे डंडा, निकालूंगा तेरे पिछवाड़े से। इसके नीचे कुछ
अंडे हैं मैं आपको दिखा दूं, ये अंडों पे बैठी हुई है। खलील ये कब तक निकल आएंगे? ये 2-3 दिन में निकल आएंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह इसको देखते हैं, इसके बच्चे भी आपको दिखाएंगे फिर कि कितने बच्चे हैं इसके और किस किस कलर के। तो असल जो चीज़ है ना, अभी वो हमने निकालनी है यहाँ से, ये वाली एक शीट, ये टोटल एक है और ये 2 शीटें हैं, एक इसमें निकाल लेते हैं। ये वाला जो जाल है ये भी बनाते हुए कि हमने एक वीडियो बनाई थी रिसेंट, जब हमने 1 साल पहले यूट्यूब शुरू किया था, और अब 1 साल बाद जो है ना, अब फिर हमने यूट्यूब फिर से शुरू किया है, बीच में स्किप कर दिया था किसी वजह से, और अब फिर से जो है ना हमने यूट्यूब शुरू कर दिया है। तो इसहाक क्या कहता है फिर? मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ। तू कुछ नहीं बोलता? इसको निकालते हैं वापस, ठीक है, इसको अंदर की तरफ कर लेंगे, वो एक शीट जो निकलेगी वापस निकल के वो नीचे वाले जड़ने पे लग जाएगी। सही है यार, असल में मुझे पता नहीं है, मैं तो होता हूँ ड्यूटी पे, तो देख ले जैसे तुझे सही लगे। अभी मैं कुछ बोलूँ भी बीच में तो क्या पता मेरे समझ से बाहर है, तू क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। अल्लाह के बंदे, ये असल में इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि बस जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, कर ले जो तुझे अच्छा लग रहा है कर ले बना। अभी ठीक है, अब ये चादर लेके जानी नीचे, ठीक है, अब ये कैसे जाएगी? ये यूं, ये यूं करके जाएगी ना, अब यूं करके लेके जाएंगे, आ जाए। अच्छा तो अभी जो है ना हमने ला के इसकी छत इस पे रख दी है। उसके अलावा जो है ना, मैंने आपको बताया था कि आज मैंने वीडियो देखी थी एक तारिक मसूद साहब की, मौलाना तारिक मसूद साहब की, कि उन्होंने अपनी मुर्गियों के लिए एक बनाया था, वो नेट से उन्होंने भी देखा था, कोई आइडिया लिया था, तो मैंने आज उनकी वीडियो देखी। तो मैंने, मेरे पास तो इस तरह के कैन नहीं है, वो तो तकरीबन परचेज करके लाए थे किसी कबाड़ वाले के पास या कहीं से भी, उन्होंने अरेंज किए थे मुझे। मेरे पास पड़ी हुई थी टूटी हुई बाल्टियाँ घर में, 2 पड़ी हुई, तो मैंने सोचा है कि भाई इसको मैं बनाता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि इस तरह करके आप उनके लिए बना सकते हो ताकि वो अंडे ईजीली दे सकें। मुझे ये बाल्टी मिल गई, ठीक है, ये टूटी हुई थी, इसको टेपे शेपे लगा के मैंने तोड़ लिए। अब इसको जो है ना क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे बनाना है। इसहाक ज़रा ये काट के ना इस तरह, तो उन्होंने तो आगे लकड़ी शकड़ी लगा दी है, पता नहीं मेरे ख्याल से, हाँ उन्होंने कैन की कटिंग भी ऐसी की थी कि बीच में जगह कर दी। मैं इसको काट दूंगा ऐसे करके और इसको लगा दूंगा ऐसे, ताकि वो भूसा वगैरह जो इसके अंदर है ना वो गिरे ना इस पे से, वो मुर्गियाँ आराम से बैठ के, फिर मुर्गी को पकड़ के इसमें बिठा के ट्राई करते हैं कि ईजीली आती है कि नहीं आती है। ठीक है, लो स्क्रू दे मुझे। मुर्गी के पीछे नोयला आया होगा, जा देख जा, नोयला आया होगा, जा कुछ भी नहीं है बाया उधर, ऐसे ही चिल्ला रही थी, मकार बनी हुई है। ये बन गया, अब मैं इसके लेके आता हूँ बुरादा, लेके आता हूँ, ठीक है, बुरादा लेके आता हूँ, और इसके अंदर मुर्गी को बिठाते हैं, ठीक हो गया। वाली मुर्गी वो मारती बड़ी जबरदस्त है, जल्दी जा। अच्छा तो भाई जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्त्री वगैरह को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि ये जो काम है आधे से ज़्यादा अकील ने खुद किया है। आधे से ज़्यादा क्या मतलब कि पूरा का पूरा ही खुद किया है, ये दड़बा भी खुद बनाया है, ठीक है, चुनाई वगैरह भी खुद की है, चुनाई करने के बाद ये इसने नछते वते इसने खुद ही लगाई है यहाँ पे। तो है तो वो कारपेंटर खुद, लेकिन चलो पता नहीं ये मिस्त्री का शौक उसे कब पड़ गया, कोई इलम नहीं इसका। तो बाकी ये आप लोग देख सकते हैं कि छोटी सी क्यारी सी बनाई है इसने, ठीक है, खुद ही लगा होता है, थोड़े छोटे मोटे काम कर लेता है आगे पीछे के, और काफ़ी मेहनत की है, तो इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। तो आज का टास्क हमारा ये था, तो ये हमारा हो गया, इस छत को फिक्स करना था, पर कल सुबह इंशाल्लाह इसहाक तो नहीं होगा, पर मैं और खलील मिलके इसको फिक्स करेंगे। और उस जगह पे हमने एक वो बनाया, ये ग्रिल, ये लकड़ी की आपको नज़र आ रही है कोना सा, इसको हमने कंप्लीट करना है, कल मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी थी,
इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।